ठीक है, सो क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताओ। मैंने बताया था कैटलिस्ट कैसे काम करता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या बताया था मैंने। सेकेंड एनर्जी ऑर्डर रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल सबके लिए होती है। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो सब मैंने हाँ बताया था। और कुछ इसके अलावा कोई डाउट्स हैं लास्ट क्लास से? ठीक है, तो आज हम लोगों को टेम्परेचर कोफिशिएंट करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताना चाहता हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो होती से फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन देखने में लगती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो सूडो का मतलब यहाँ पे उसका मतलब है यहाँ पे फेक। तो वैसे ही रिएक्शंस क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन वो बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? क्योंकि उसमें जो एक रिएक्टेंट होता है ना, वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, जहाँ पे व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो उसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो अगर वो रेट लॉ में आ रहा है वो रिएक्ट, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट दे देता है, और रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है एक इथाइल एसीटेट है। ठीक, इसमें हम लोगों ने वाटर डाला और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे ये एस्टर है, तो ये एसिड और एल्कोहल में टूट जाता है, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल में। ठीक है, एट जीरो, जब हमारे पास टाइम जीरो था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली थी इसकी 0.01 मोलर। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है, 10 मोल्स ली है। ठीक है, मतलब वाटर एक्सेस में है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट तुम्हें पता है कि वो तो ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो सॉल्वेंट तो सबसे बड़ा सबसे एक्सेस में जो चीज प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट ही होता है। अब इसमें एसिड डाला तो ये टूट गया, तो इनिशियली तो इसके 0.0 मोल थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसके 0 मोल्स हुए, ये पूरा 0.01 से 0.01 ये बन गया, 0.01 ये बन गया, और 10 में से 0.01 माइनस हो गया। अब 10 में से 0.01 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9.9। ठीक है, इतना आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि 9.9 इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। 9.9 की जो वैल्यू होती है वो 10 के बराबर ही है। तो इस पॉइंट पे हमें ये लग रहा है कि जो भी कंपोनेंट, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज आता है तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है वो नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, कैसा होगा, बिल्कुल नेग्लेजिबल चेंज। अगर चेंज नेग्लेजिबल है तो हमें लगता है कि उस रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है कॉन्स्टेंट, क्योंकि पहले भी 10 था और अभी भी वो 10 के इक्वल ही आ रहा है। तो अगर ऐसा किसी भी रिएक्टेंट के साथ होता है जहाँ पे उसका अमाउंट एक्सेस में प्रेजेंट है और वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो वो रेट लॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक है, कैसे, क्योंकि पहले क्या था, रेट क्या था, के प्राइम इंटू CH3CO2H5 इथाइल एसीटेट इंटू वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि ऑर्डर क्या है, 2 है, और ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है फाइनली, दोनों बार सेम ही रह रही है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रही।
तो अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं के प्राइम इंटू एच टू ओ। एच टू ओ पहले 10 मोल थे, अभी भी वो 10 थे, 9.9 मोल होंगे। तो इसकी क्या वैल्यू आती है थ्रू आउट द रिएक्शन, वो आती है कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, और इसको हम लोग नया कॉन्स्टेंट बोल देंगे के। तो अब जो के प्राइम है और एच टू ओ है दोनों को मिला के हम लोगों ने उसको क्या लिख दिया, के लिख दिया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो रही है। तो अब जो रेट हो जाएगा वो रेट हो जाएगा के, एंड इट विल डिपेंड अपॉन इथाइल एसीटेट। और अब वो इथाइल एसीटेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो रेट का जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, टू है, लेकिन ये कैसे दिख रही है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिख रही है। कि अगर हम लोग CH3COOC2H5 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे तो चेंजेस रेट में ज़्यादा होंगे, और वाटर की अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज भी करते हैं तो कोई खास चेंज नहीं आता है, जिससे हमें लगता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर होता है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेकिन वो देखने में क्या लगते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होती है। और ये कब होना पॉसिबल होता है, ये तभी होना पॉसिबल होता है जब दोनों में से या तीनों में से एक रिएक्टेंट, एक या दो रिएक्टेंट किस में प्रेजेंट हो, एक्सेस में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, लाइक अ सॉल्वेंट। अगर वो सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है तो उसमें उसका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज आएगा वो बहुत छोटा होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया। जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है वो नेग्लिजिबल है, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बहुत कम आया, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है, तो मतलब वो क्या है, उसके ऊपर वो रेट डिपेंड नहीं करेगा। आ गया समझ में? नहीं आया? ओके। तो मैंने क्या बोला कि मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इसको। स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था सूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जो होती सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की हैं, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की लगती हैं, वो वाली रिएक्शंस होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में जो रेट है वो के प्राइम एसीटेट इथाइल एसीटेट और वाटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये इसमें से एक जो वाटर है वो वाटर एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट भी है और रिएक्टेंट भी है। अगर वो सॉल्वेंट होगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब एक लीटर दो लीटर में प्रेजेंट होगा। अगर रिएक्शन हो रही है 100 ml 200 ml, तो उसकी जो वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है। जैसे 0.01 मोलर है, इसकी वैल्यू में 10 - 0.01 मतलब 9.9 के आसपास आएगा। 9.9 अगर आता है तो 10 और 9.9 में क्या कितना डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग लेते हैं कि थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन होते होते जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, उसकी वैल्यू क्या है, सिमिलर है हर जगह। तो अगर रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वैल्यू तो कॉन्स्टेंट होगी। तो अगर मैं लिखूं कि रेट क्या है के प्राइम इथाइल ईटीओएसी इथाइल एसीटेट एंड वाटर है, और वाटर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही रह रही है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया और के प्राइम भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे के। और इस नए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, के प्राइम इंटू एच टू, जो एच टू की कॉन्सेंट्रेशन है और उसमें के प्राइम अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट आ जाएगा इधर। अब रेट कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, तो इस रिएक्शन के बेसिस पे मुझे दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, वन है, लेकिन एक्चुअली ऑर्डर वन नहीं है, एक्चुअली ऑर्डर क्या था, टू था। बट अगर एक भी रिएक्टेंट को, किसी भी रिएक्टेंट को अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट कर दूँ,
जरूरत से ज़्यादा डाल दो तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट लिया जाता है। अब देखो CH3CO2 CH3COO2H5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है विद टाइम क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, विद टाइम चेंज नहीं होगी। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम चेंज नहीं हो रही है तो इट इज़ मोर लाइक अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस कॉन्स्टेंट और रेट कॉन्स्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कॉन्स्टेंट बन जाता है, और इस बेसिस में हमें पता चलता है कि रेट किस ऑर्डर का आ रहा है, ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है। समझ में आया ये, बाकी सबको समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या सूडो सेकंड भी हो सकता है, सूडो थर्ड भी हो सकता है। एंड दिस इज अनदर मेथड जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन अनदर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, केन शुगर है, शुगर केन नहीं है, केन शुगर है। क्या डिफरेंस होता है शुगर केन और केन शुगर में? बताओ क्या डिफरेंस होता है? शुगर केन और केन शुगर क्या डिफरेंस है? शुगर केन क्या होता है, क्या मतलब है इसका हिंदी में? हाँ हाँ चीनी। ठीक है, तो शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है, ठीक है, और गन्ने से निकलने वाली चीनी को हम लोग केन शुगर बोलते हैं। तो दोनों जो वर्ड है उनको उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो शुगर केन इज गन्ना एंड केन शुगर इज उस गन्ने से निकलने वाली चीनी को केन शुगर बोलते हैं। तो केन शुगर इज बेसिकली सुक्रोज। ये क्या है, सुक्रोज है C12H22O11। C12H22O11 को वाटर में डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे मिलता है हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और इस रिएक्शन को क्या, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर का क्या हो जाता है यहाँ पे, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का इन्वर्जन होता है। यहाँ पे ये प्लस होता है और यहाँ पे जो ओवरऑल जो मिक्सचर बनता है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होने की वजह से इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं, जिसमें केन शुगर जो सुक्रोज है उसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो वो एक ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाती है। शुगर जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज अलग हो जाता है, फ्रक्टोज अलग हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पॉजिटिव होता है, फ्रक्टोज का नेगेटिव होता है, और इसका जो रोटेशन होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, -100 ले लो और इसका +50 ले लो, तो ओवरऑल जो आएगा -50 आएगा। ठीक है, और इसका +25। ठीक है, तो ये क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था शुगर केन, और जो मिक्सचर बना वो लिवो रोटेटरी हो गया, तो इसलिए इसको इन्वर्जन बोला। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर मुझे ये बताना था कि इन्वर्जन क्या हो गया। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस रिएक्शन को करवाते हैं बॉडी के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेज, जो ये रिएक्शन करवाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे जो रेट है वो है के, वैसे रेट होना चाहिए, रेट इज इक्वल्स टू के C12H22O11 इनटू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है, लेकिन वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट करता है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो ये कॉन्स्टेंट होने की वजह से जो रेट होता है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ C12H22O11 पे करता है। ठीक, के प्राइम। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है।
अगर वाटर की मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूँ और वाटर को एज ए सॉल्वेंट मैं नहीं लूँ, या ये रिएक्शन मैं किसी और सॉल्वेंट में करता हूँ, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट एक एस्टर है, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग एंड लिबरेटिंग एसिटिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मिथाइल एसीटेट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो एसिटिक एसिड और मिथेनॉल मिलता है, और जो एसिटिक एसिड मिला उसको हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट किया, और टाइट्रेट करने पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड पता चली, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसिटेट भी हमें पता चल रहा। तो तुम्हें टाइम दे दिया 0, 30, 60, 90, तो टाइम पीरियड दे रखा है 0, 30, 60, 90, और उसमें तुम्हें बता रखा है कि कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इनकी, एस्टर की। तुम्हें दिख रहा होगा एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्शन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब हमें बताना है, शो दैट इट फॉलो अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन नियरली कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। थ्रू आउट द रिएक्शन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी, विच इज 55 mole/L, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की, वाटर मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक लीटर में 55 मोल्स होते हैं, तो इसका हम लोग लिखते हैं 55 mole/L। तो अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर हम लोग को प्रूफ करने के लिए हमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी हर बार, हर बार वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मैंने नीचे नहीं सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो रेट क्या होता है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा। तो इक्वेशन अगर मैं मुझे लिखनी हो तो मिथाइल एसीटेट है MeOAC प्लस वाटर क्या देगा, ACOH एसिटिक एसिड प्लस MeOH मिथेनॉल। तो रेट हम लोग लिख सकते हैं कि मिथाइल एसीटेट की जो कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो रही है डिवाइडेड बाई ये, तो रेट हम लोग निकालते हैं, तो रेट अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए तो ये आएगा 0.8004 माइनस 0.8500 डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड। कितना रेट आ रहा है, लेट मी सी, तो रेट आ गया 0.000165, ठीक है। अब रेट सेकेंड इंटरवल के लिए निकालेंगे, तो हम लोग इसको निकालते हैं, जीरो पॉइंट सेवन फाइव थ्री एट माइनस 0.8004 डिवाइडेड बाय 0.00255, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबका रेट निकालेंगे, ठीक है। रेट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, शो दैट इट फॉलोस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन नियरली कॉन्स्टेंट।
अब मुझे कुछ और पेजेस चाहिए। ठीक है, इसके लिए रेट निकल गया रेट 2। मैं यहाँ पे रेट 3 भी निकालता हूँ। रेट 3 आएगा 0.7096 माइनस 0.7538 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, 0.7538 माइनस 0.7096 डिवाइडेड बाय 30, तो रेट आ रहा है 0.00147। ये वाला ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, मैं एक बार फिर से निकाल देता हूँ। ट्रिपल 0 ये गलत निकाला है। इट इज 0.00155 और इसको निकालेंगे 0.7538। तो अब हमें पता है कि हमें रेट पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 पता है, एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है हमें, के प्राइम नहीं पता है। तो रेट तीन ही है, रेट कितना है 0.00165। जीरो पॉइंट डबल जीरो वन फाइव फाइव तो ये हम लोगों ने रेट निकाल लिया। तो रेट निकालने के बाद आई डोंट रिमेम्बर कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जहाँ तक मुझे याद है कि वाटर की जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं वो हर बार सेम आती है, तो इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कैसे, के प्राइम तो पता ही नहीं है। अच्छा एनीवेज छोड़ो, ये प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
देखो इसमें क्या किया है, अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर हम लोग के निकालेंगे तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ई नॉट अपॉन ए हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके बाद इसको पुट करके टाइम कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके के की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। सिंस के की वैल्यू सेम आ रही है तीनों ही केसेस में, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। के की वैल्यू क्या होगी, हर इंटरवल के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिमिलर ही आनी चाहिए। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा, कैटलिस्ट डालेंगे या कुछ और चीज़, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तब कोई खास चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो के है वो क्या है, कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, हर बार कॉन्स्टेंट आ रहा है फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेट है वो, सॉरी, के है कॉन्स्टेंट है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो नहीं होता तो के की वैल्यू हर बार क्या आती, अलग आती, स्ट्रेट लाइन टाइप्स नहीं आएगी। सो इट कैन बी सीन, फिर बाकी तो हमें के पता ही चल गया, तो उससे हम लोग के इंटू एच टू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से सॉल्व नहीं कर रहा, तो हम लोग यहीं पर ही देख लो। इट कैन बी सीन दैट के एच टू इज कॉन्स्टेंट, के एच टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एंड इक्वल टू 2.004 इंटू 10^-3। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है, तो इसमें अगर हम लोग वाटर की वैल्यू 55 मोल पर लीटर अगर डालेंगे तो हमें के की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। के कांस्टेंट आने का रीज़न क्या है कि एक तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट है और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। ये समझ में आ गया, किसका? फिफ्टी फाइव तो वाटर का ऑलरेडी दे रखा है ना, ये देखा यहाँ पे, शो दैट इट फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट 55 मोल पर लीटर, ठीक। तो एक लीटर में अगर नहीं भी दे रखा है और अगर सोल्यूशन एक लीटर दे रखा है तो उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55 मोल पर लीटर ही होती है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किससे डिपेंड करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास और मोलर मास को तुम डिवाइड करोगे, एक लीटर वाटर का जो मास होता है वो 1 kg ही होगा, और इस बेसिस पे तुम ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो। तो हमें जो कॉन्स्टेंट रहती है 55 मोल पर लीटर ही होता है वाटर की, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसमें बस ये देखना था कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो ये वाली इक्वेशन के इज 2.303 टी लॉग सी नॉट अपॉन सी भी फॉलो करेगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे लास्ट क्लास में कराना था लेकिन मैं करा नहीं पाया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बेसिकली द टेम्परेचर, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसी तरीके से एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज, दस टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑलमोस्ट रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, उसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ रेट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस तो चाहे केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो सेम ही रहेगा। के 10 + T डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल टू योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर
कोफिशिएंट बोल रहे हैं, दो रेट कांस्टेंट पे जो अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहे हैं, अगर उनके बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है तो उसे टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते हैं। और हमें ये पता है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर पे अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देता हूँ तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें प्रूव करना। सो मेरे पास दो दो इक्वेशन है के ये है, ठीक है, और हमारे पास अरहीनियस इक्वेशन क्या बोलती है, ln k is equals to ln a minus e upon rt, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एक हमारे पास हो गया ln k 10 plus t is equals to ln a सेम रहेगा minus e upon rt plus 10 10 डिग्री सेल्सियस पे, और एक है ln ऊपर ही लिख देता हूँ t और इसको t ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूँगा तो ln के 10 प्लस टी माइनस ln के ln a से ln a कट जाएगा माइनस ये r t प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये r t, ठीक है, यही आएगा। अब इसमें से ये हो जाएगा ln के 10 प्लस टी डिवाइडेड बाय ln k जो t पे, ठीक है, यहाँ से माइनस ये अपॉन r लिया तो 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 10, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगर अब ये आने के बाद अब हमें पता है कि एट टेम्परेचर 300 केल्विन 300 डिग्री केल्विन के ऊपर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मोस्टली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की होती है 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये याद रखना। और जो तुम्हें एग्जाम में भी लिखना होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन के ऊपर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो 300 केल्विन होती है, और आर की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 8.314 जूल पर केल्विन होते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे ln k t plus 10 divided by t is equals to क्या था, ये कितनी है 80 into 10 is to power 3 जूल पर मोल, किलो जूल था तो उसे जूल में कन्वर्ट करनी है, r क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल into 1 upon t कितना है 300 केल्विन माइनस 1 अपॉन 310 केल्विन, ठीक है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आ जाएगा यहाँ पे, तो सेम वैल्यूज लिखते हैं, जूल से जूल कटेगा परमोल से परमोल कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा केल्विन आएगा तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, केल्विन नीचे ऊपर केल्विन आएगा नीचे केल्विन स्क्वायर आएगा और उसके बाद फिर सारे केल्विन कट जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में कोई भी यूनिट नहीं आएगी, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर 310 में से 300 माइनस करेंगे 10 आएगा और ये 300 इंटू 310 केल्विन केल्विन स्क्वायर और यहाँ पे पर केल्विन बचा था, तो के टी प्लस 10 अपॉन टी इसकी वैल्यू आती है 1.03 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.10। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है 2.8 के, ठीक है, फॉर मेनी ऑफ द रिएक्शन। सो ये है, ठीक है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी 2.8 के, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, बट मैनी ऑफ द रिएक्शन, काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो
या तो टू आता है या थ्री आता है, टू और थ्री के बीच में ही होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये रेंज है इसी के बीच में होगी। तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रूम टेम्परेचर से, याद रखना रूम टेम्परेचर से, अगर लो टेम्परेचर से तुम थोड़ा सा भी चेंज करके 10 डिग्री तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर से अगर तुम 10 डिग्री चेंज करोगे तो जो फैक्टर आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट आएगा वो दो और तीन के बीच में ही लाया करेगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? बताओ क्लियर है ये? हाँ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू कि 300 केल्विन पे जो ईए की वैल्यू होती है वो 80 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखोगे और टेम्परेचर कोफिशिएंट तुम प्रॉपरली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हमें कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस करना है। ठीक है, एक कोलिजन थ्योरी है और एक एक्टिवेटेड थ्योरी है, दोनों हमें सिर्फ एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं इसके बारे में, जो डीप डेरिवेशन वगैरह है वो हमें थर्ड ईयर में सिलेबस में है तो वो हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो जो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये मैक्स ट्रूट और विलियम लुइस ने 1916 से 1918 में बनाई थी। ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है एग्जैक्टली वही थ्योरी के बेसिस पे कोलिजन थ्योरी बनाई गई है, इसमें भी जो रिएक्टेंट्स है उन्हें हार्ड स्फीयर कंसिडर किया गया है और इसमें बताया गया है कि रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल तब रिएक्ट करेंगे जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद ही केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक, तो अगर मेरा ए और बी दो रिएक्टेंट है और वो अगर मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी रेस्ट पर माइनस ए अपॉन आर्ट। ठीक है, तो ये e रेस्ट पर ए अपॉन आर्ट ही तुम्हें हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन, पहले हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझते थे, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड में होने वाले कोलिजन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/T। तो कोई भी चीज जो एक सेकंड में होती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने कोलिजन एक सेकेंड के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख देते हैं जेड ए बी। तो रेट क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन जेड ए बी। तो जेड ए बी क्या है, रिप्रेजेंट्स द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। एंड ई ए अपॉन आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें पहले ही हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये कोलिजन रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेट होता है वो कोलिजन फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जेड ए बी ई रेस्ट हुआ माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, और कल जैसे बताया, कल जैसे पूछा था सोनू ने कि ये जो ए होता है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैंने मना करा था कि वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। तो जो पहली थ्योरी आई थी वो कोलिजन थ्योरी थी जिसमें बोल रहा था कि जो अरहेनियस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्री एक्सपोनेंशियल ए फैक्टर आता है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, लेकिन जैसे बाकी थ्योरीज आती गई उसमें से कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अलावा भी बहुत सारी टर्म्स थी जो उसके अंदर इंक्लूड आती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि कंपेयरिंग 4.23 विद अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग अरहेनियस इक्वेशन से करेंगे तो ए किससे रिलेटेड है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि यहाँ पे रिलेटेड बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। ठीक है, तो जो ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा लेकिन इक्वल टू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ए को तुम डायरेक्टली कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। क्लियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? यस और नो?
अब नेक्स्ट हमें क्या पता चला कि जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे प्रोडक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोलिजन जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी वो प्रोडक्ट देंगे। लेकिन उसके साथ क्या आता है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है विच इज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसा भी नहीं है कि ए और बी दो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे ही देंगे, लेकिन उसके साथ में उसका ओरिएंटेशन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सो मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कब देंगे, जब इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये कोलिजन दे देंगे। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ए पहले होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए। अगर ये बी प्लस ए होंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है बी और ए और ए और बी में, ये तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल में आगे बताता हूँ, ठीक है। तो जब सारे प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होती है, जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रेट इज इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई रेस्ट माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये तो हो गया कोलिजन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। जेड ए बी क्या हो गया कि बेसिकली कोलिजन फैक्टर है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी है कि कितनी देर में कोलिजन हो रहा है, जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा रेट होगा। एंड पी इज दी कौन से कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन होंगे उतनी ही ज़्यादा रेट होगा। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का तुम यहाँ पे देख सकते हो। मेरे पास क्या है, सी एस थ्री बी आर है और ओ एच नेगेटिव है, तो सी एस थ्री बी आर क्या करेगा, सॉरी ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, सी एस थ्री बी आर पर अटैक करेगा और बी आर निकल जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ये जो अटैक होता है वो हमेशा बैक साइड से होता है, ठीक है। एस एन टू रिएक्शन है ये, और रिएक्शन जब होगी तो ओ एच कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से रिएक्ट। ओ एच फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। तो अगर वो सेम साइड से आता है तो वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन अगर वो बैक साइड से आ गया तो वो इंटरमीडिएट देगा और उसके बाद प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो इसलिए ओरिएंटेशन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, रिएक्शन को होने के लिए। तो वही रिएक्शन होगी जो जिसमें इफेक्टिव कोलिजन भी होगा और मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी भी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक तुम लोगों को? तो नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एक अलग तरीके का अप्रोक्सीमेशन है जो हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज़ का रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो रेट इसमें क्या होता है, रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एन इंटरमीडिएट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी इज गिविंग मी डी, ठीक है। तो मैंने देखा ए प्लस बी पहले सी दे रहे हैं एंड सी इज कन्वर्टिंग इन टू डी, तो इसमें से जो सी है वो क्या है, सी इज योर इंटरमीडिएट, क्या है ये, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। तो इंटरमीडिएट खत्म कैसे होता है कि स्टेडी स्टेट बोलता है कि जितनी स्पीड से इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ही स्पीड से वो खत्म भी हो जाएगा। इस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी है, मेरे पास क्या दे रखा है कि किस रेट से डी प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल्स टू के इंटू सी। डी कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, सिर्फ दूसरी इक्वेशन में ये आ रहा है। और सी क्या है, सी तो इंटरमीडिएट है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये है ओवरऑल रिएक्शन,
ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास सी है ही, और सी क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बेसिस पे हम लोग रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमें रेट लॉ लिखना है या रेट लॉ निकालना है किसी भी रिएक्शन का, तो हमें मैकेनिज्म दे रखा है और उससे रेट लॉ निकालना है, तो उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। या तो रिएक्टेंट्स होंगे या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लोग ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट घुस जाता है। जैसे इसमें तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू ये है, मैकेनिज्म में दे रखा है इसका। इसमें तुम्हें बोला है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी, किस रेट से डी प्रोड्यूस हो रहा है। तो डी कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इसी इक्वेशन में आ रहा है, और इस इक्वेशन का अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। नाउ सी इज योर इंटरमीडिएट। अब सी इंटरमीडिएट है तो ये जो रेट लॉ है ये सही नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रिएक्शन में फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरमीडिएट बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि कब कितनी कॉन्सेंट्रेशन। तब हम लोग यूज करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो बोलता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जिस रेट से इंटरमीडिएट बनता है उसी रेट से इंटरमीडिएट खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, d by dt of c is equal to zero, rate change of concentration of c। अब c जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड से खत्म हो रहा है, तो c की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट होगी। तो रेट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ऑफ इंटरमीडिएट भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दो तरीके के अजम्पशंस हैं, एक ही है लेकिन उसको दो तरीके से मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये रिएक्शन है, तो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। रेट मैंने क्या निकाला इज के इंटू सी। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ के वन और इसको मैं ले लेता हूँ के टू, तो इसको मैं के टू सी लिख देता है। ठीक है, अब मुझे पता है डी बाई डी टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन के इक्वल है, तो रेट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ सी कहाँ कहाँ आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो अब सी का जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, के वन ए इंटू बी, ये क्या हो गया इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज इक्वल्स टू के टू सी माइनस के टू। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है, रिएक्टेंट से लिखना है। हमेशा जब भी रेट लॉ लिखते हैं तो रिएक्टेंट के ऊपर हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन को इनवर्स हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। रिएक्टेंट में जैसे मैंने बताया ए प्लस बी है, सी दे रहा है, तो रेट क्या होगा, रेट लॉ हम बोलते हैं कि वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी सी और डी में रिएक्टेंट क्या है, सी ही है, लेकिन उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है तो सी आएगा, लेकिन उसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। जब प्रोडक्ट साइड पे होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जब डिकम्पोजिशन है मतलब जो नेगेटिव प्रोडक्ट साइड रिएक्टिंग साइड पे, तो उसके लिए नेगेटिव लिखेंगे। अब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सी के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि के वन ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टू सी। ठीक, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये इक्वल होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, के वन ए बी और यहाँ पे के टू लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के टू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ये सी की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना था, ये हटाना था, तो इस
का मतलब क्या हो गया, जो ओवरऑल रेट है वो है के टू इंटू के वन डिवाइडेड बाई के टू, नेगेटिव का साइन है ए इंटू बी, तो के टू से के टू कट गया तो रेट कितना आ गया, रेट इज इक्वल्स टू माइनस के वन ए इंटू, ये हमारा रेट आ गया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी कितना हो गया, रेट इंटू माइनस ऑफ के वन। आया ये समझ में? नहीं नहीं रेट, हाँ फिर से बोलो तुम एक बार, फिर से बोलो। नहीं 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 यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना था, ये डी कितना बना है उसके लिए, तो डी तो सीसी इक्वेशन में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा के टू सी लिखूंगा, ठीक है। साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि डी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की साइड पे। फिर सी को हटाना है हमें यहाँ से क्योंकि सी तो इंटरमीडिएट है, तो सी को हटाने के लिए क्या क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने लिखा क्योंकि सी प्रोडक्ट साइड पे है, तो के वन इंटू ए इंटू बी आएगा, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या आएगा, के टू इंटू सी आएगा, लेकिन उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट के साइड पे है, बस इतना। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये इधर ऐसे आएगा, और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की जैसी वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग इधर पुट कर देंगे, और ये हमारा ओवरऑल रेट आ जाएगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, माइनस के वन ए इंटू बी। ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग प्रैक्टिस करते करते, फोटो केमिस्ट्री में हमें ये यूज़ करना है, फोटो केमिस्ट्री और कैटेलिसिस दोनों में हमें ये यूज़ करना है, तो मैं वहाँ पर और अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, और दो तीन क्वेश्चन अगर मेरे से कल मिल पाए तो मैं दो तीन क्वेश्चन और कराने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें तुम्हें अच्छे से आ जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहाँ पे भी ऐसी मैकेनिक्स दे रखा होता है और तुम्हें फाइंड आउट करना होता है कि रेट क्या होगा, चार पाँच रेट दे रखेंगे, उससे तुम्हें फाइंड आउट करना होगा कि इसका रेट ये है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही।